युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी दशहरा पर्व भव्यता से मनाया जाएगा। समिति के 28वें वर्ष में विभिन्न आयोजन कराए जाएंगे। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विभिन्न स्थानों पर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के द्वारा भव्यता से दशहरा पर्व का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि समिति का ये 28वां वर्ष है। इस 28वें वर्ष में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रमुख आकर्षण हिंदू स्वर सामग्री सुप्रसिद्ध गीत हर हर भगवा की प्रख्यात गायिका सुश्री लक्ष्मी दुबे के द्वारा यहाँ पर भव्य संगीतमय संध्या की प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही 60 फीट ऊंचे रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के साथ 40 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया जाएगा। इसके साथ ही काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश की सुप्रसिद्ध आतिशबाजी भी आकर्षण का केंद्र होगी। साथ ही साथ आईपीएल स्तर की इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी भी यहां पर शहरवासियों को खूब लुभाएगी। हर साल की तरह इस साल भी यहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है। लगभग 18,000 सोफे कुर्सियां यहां पर लगाई जाएगी। साथ ही साथ गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी निश्चित की जाएगी। साथ ही गेट पास और वीवीआईपी पास भी यहां पर धारकों के लिए दिए जाएंगे। सेक्टर 7 ग्राउंड में भव्यता से आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने मीडिया को दी है। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल द्वारा विगत 27 वर्षों से सेक्टर 7 हाई स्कूल दशहरा मैदान में भव्य दशहरा पर्व का आयोजन हम लगातार करते आ रहे हैं। इस 28वें वर्ष भी भिलाई दुर्ग की सम्माननीय जनता के आशीर्वाद और सहयोग से हम बड़ा और भव्य दशहरा पर्व करने जा रहे हैं। 24 अक्टूबर शाम 7 बजे से दशहरा पर्व का आयोजन रखा गया है। 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला, 40 फीट ऊंचा कुंभकर्ण, 40 फीट ऊंचा मेघनाथ का पुतले का दहन के साथ आंध्र प्रदेश काकीनाडा का सुप्रसिद्ध आतिशबाजी एवं आईपीएल स्तर की आकाशीय आतिशबाजी का प्रदर्शन हम रखे हैं। साथ में राष्ट्रभक्ति गायिका सुश्री लक्ष्मी दुबे जी का कार्यक्रम रखे हैं, जो हर घर भगवा लहराएगा गायिका है, जो उनकी पूरी टीम द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 7 से 10 बजे तक उनकी प्रस्तुति दी जाएगी। हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्र के पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, आदरणीय सुश्री सरोज पांडे जी राज्यसभा सांसद, आदरणीय विजय बघेल जी दुर्ग लोकसभा के सांसद, और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संरक्षक, जो लगातार 28 वर्षों से हमको सहयोग करते आ रहे हैं, आदरणीय नवीन केडिया जी, केडिया ग्रुप के वाइस चेयरमैन, और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सलभ केडिया जी, श्री रिकेश सेन जी, श्री संजीव फतेहपुरिया जी, श्री श्याम कुमार मूर्ति जी उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में। मैं भिलाई दुर्ग की सम्माननीय जनता से निवेदन करता हूं, आइए इस भव्य दशहरा पर्व में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी भव्यता के साथ युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के द्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ग्रहण न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।